हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, आज का जो एक खबर आई है वो चिंता की खबर है। क्यों चिंता की खबर है? क्योंकि फीफा ने अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी अपने इंडिया के फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया। दोस्तों, क्या है ऐसा मामला, ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 85 साल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है। विश्व की सर्वोच्च फुटबॉल संस्था फीफा ने भारत की अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि तीसरे पक्ष का हवाला दिया है उन्होंने। इसके साथ ही भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की जो मेजबानी थी, भारत को मिली हुई थी, उसका अधिकार भी फीफा ने छीन लिया है। बयान में कहा कि फीफा परिषद के ब्यूरो ने सर्वसम्मति से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। दोस्तों, इसमें बयान में आगे यह कहा गया है कि निलंबन तभी हटेगा जब AIFF कार्यकारी समिति की जगह प्रशासक की समिति के गठन का फैसला वापस ले लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2020 से चुनाव नहीं करवाने के कारण 18 मई को प्रफुल्ल पटेल को AIFF के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और AIFF के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो AR दवे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति COA का गठन किया गया था। फीफा ने कहा है कि भारत के खेल मंत्रालय के लगातार संपर्क में वो है और सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद है। फीफा ने 5 अगस्त को ही AIFF को निलंबित करने और महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी छीनने की धमकी दे दी थी। भारत पर प्रतिबंध के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 28 अगस्त को होने वाले AIFF चुनाव का क्या होगा, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शीर्ष अदालत ने CAO द्वारा तैयार समय सीमा को मंजूर करने के बाद 13 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जो जानकारी थी ये सच में गंभीर समस्या है, क्योंकि महिला अंडर 17 जो विश्व कप 2022 की मेजबानी जो भारत में होनी थी, ये अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। 85 साल के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, फीफा अब आगे क्या करेगा और ऑल इंडिया फेडरेशन जो फुटबॉल फेडरेशन है वो क्या होगा, आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।